हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं दो समर बेस परफ्यूम्स के बारे में। एक होगा वाइल्ड स्टोन हाइड्रा एनर्जी और दूसरा रोजस्टर बाय द सी। बहुत ही खूबसूरत परफ्यूम्स हैं ये दोनों और मुझे पसंद आए दोनों के दोनों। तो बात करते हैं इन दोनों के क्वालिटी के बारे में, फ्रेग्रेंस के बारे में, पैकेजिंग, प्राइस और क्या ये कंसिडर करने लायक हैं या नहीं, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं वाइल्ड स्टोन हाइड्रा एनर्जी की तरफ से। बहुत ही पॉपुलर परफ्यूम है ये और इट्स इन द मार्केट सिंस अ लॉन्ग टाइम और इसने धूम मचा के रखा है क्योंकि ये चीप रेट में मिलता है और अच्छा स्मेल करता है। बहुत ही सूदिंग सा, प्लीजिंग सा खुशबू है, समर के टाइम में परफेक्ट बोल सकते हैं इसे। शुरू करते हैं इसके पैकेजिंग की तरफ से। एक बेसिक सा पैकेजिंग मिलता है इसका। ब्रांडिंग है यहाँ पे, थोड़ा ग्लॉसी फिनिश है अलॉन्ग विद लिटिल टेक्सचर। पीछे इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में लिखा हुआ है और नीचे यहाँ पे MRP लिखा हुआ है। MRP इसका 599 रुपीज़ है, मगर मेरी मानिए आप 599 मत लगाइए इसके लिए, क्योंकि आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये 400 रुपीज़ मैक्सिमम आप पे कर सकते हो फॉर 100 ml बॉटल, मगर 100 ml विल लास्ट यू अ लॉन्ग टाइम, ट्रस्ट मी, इट विल गो फॉर एजेस। तो अगर आपको 50 ml मिल रहा है उसमें काम चल जाएगा, 50 ml ले लीजिए, अच्छे से आपको मंथ पूरा लास्ट करेगा, राइट। इसका बॉटल कुछ ऐसा दिखता है, ग्लास बॉटल है, ग्लास का क्वालिटी अच्छा है और स्प्रेयर ठीक ठाक है। ये कुछ मिस्ट फॉर्म नहीं करता है, मगर डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है ऐसा कह सकते हैं। इसका कैप कुछ ऐसा दिखता है, थिक प्लास्टिक, इतना स्ट्रांगली होल्ड नहीं करता है, मगर ठीक ठाक है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बॉटल पकड़ के उठा सकते हो रैदर देन के आप। तो चलिए बात करते हैं इसके फ्रेग्रेंस के बारे में। इसके टॉप नोट में आपको मिलेगा लेमन और लैवेंडर का ब्लास्ट। देखिए, इसमें लैवेंडर का इस्तेमाल बहुत ही बढ़िया किया है, ओवरडू किया नहीं है, मतलब ओवरडू नहीं किया है। सिंथेटिक स्मेल करता है, मगर एट द सेम टाइम प्लीजिंग भी है ये स्मेल। मिडिल नोट में आपको मिलता है वाइट फ्लोरल्स, वाइट फ्लोरल्स का हिंट मिलता है अलोंग विद जेरेनियम। देखिए, वाइट फ्लोरल्स की वजह से ये फ्रेग्रेंस जो है बहुत ही ब्राइट स्मेल करता है। व्हेन आई कंपेयर टू द रोडस्टर, ये ज्यादा ब्राइट स्मेल करता है। मैं तो कहूंगा अगर गर्मियों के लिए, हाई हीट के लिए अगर आपको कुछ चाहिए, ऐसा कुछ आप ट्राई कर सकते हो। और बेस नोट में हमको मिलता है सैंडलवुड और मस्क। देखिए, ये बहुत ही सरप्राइजिंग स्मेल नहीं है, जेनरिक स्मेल है विद अ लिटिल ट्विस्ट। मतलब हर एक जेनरिक स्मेल एग्जैक्ट सेम क्लोन नहीं है दूसरे स्मेल का। तो ये स्मेल, आई मीन ये परफ्यूम अच्छा स्मेल करता है। बजट परफ्यूम के लिए मैं तो कहूँगा ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। और इसके लास्टिंग के बारे में बात करते हैं, प्रोजेक्शन के बारे में बात करते हैं। इसका प्रोजेक्शन आपको मिलेगा एक 2-2.5 meters तक का, बहुत ही लाउड प्रोजेक्ट करता है। और यकीन मानिए, मैंने ये जब स्प्रे करके गया था मैं ऑफिस को, तो डेफिनेटली पीपल ने नोटिस किया था। लोग भले ही ये कॉमन जेनरिक फ्रेग्रेंस है, फिर भी नोटिस करते हैं ये, बिकॉज फ्रेश स्मेल करता है ये और अच्छा स्मेल करता है। और इसके लास्टिंग के बारे में बात करें तो ईजली आपको लास्ट करेगा अराउंड 6-7 hours, आपकी स्किन पे आराम से रहेगा ये। और अगर आप कपड़ों पे स्प्रे करोगे 8 hours plus, डेफिनेट लॉन्जिविटी रहेगा। तो
आई थिंक अच्छा चॉइस बन सकता है आपके बजट के लिए। तो दूसरे परफ्यूम के बारे में शुरू करते हैं, रोडस्टर। रोडस्टर का पैकेजिंग ठीक ठाक है, सेम लाइक वाइल्ड स्टोन, मगर ये थोड़ा बहुत हल्का है कार्डबोर्ड कंपेयर टू वाइल्ड स्टोन, मगर इन हैंड फील मुझे इसका वाइल्ड स्टोन से ज़्यादा बेटर लगा। साइड में कुछ कुछ भी मेंशन नहीं किया, इसके दोनों साइड्स एम्प्टी हैं। पीछे मैन्युफैक्चरर डिटेल्स हैं, इंग्रेडिएंट्स और डायरेक्शंस ऑफ यूज और एमआरपी। राइट, एमआरपी इसका 799 है, सेम एज सेट फॉर वाइल्ड स्टोन। आप 799 मत लगाइए इस परफ्यूम के लिए, आपको बेहतर ऑप्शंस मिलेंगे 799 रुपीस। राइट, तो इसका ग्लास बॉटल, ग्लास क्वालिटी इसका भी अच्छा है, सॉलिड है इसका, इन हैंड फील भी अच्छा है, और दोनों में अगर कंपेयर करें तो ग्लास बॉटल इसका बेहतर लगा मुझे। द वे यहाँ तक जो ग्लास प्रोवाइड किया है थोड़ा बहुत डिफरेंट लगा मुझे, इंग्रेडिएंट फिनिश इसका कलरिंग अच्छा लगा मुझे, और अच्छा स्नग फिट है इसका, कैप अच्छे क्वालिटी का है, और एटमाइजर भी अच्छे क्वालिटी का है। स्प्रेयर एक्चुअली एटमाइजर इसका बहुत इंप्रेसिव है कंपेयर टू वाइल्ड स्टोन, मुझे इसका एटमाइजर अच्छा लगा। चलिए इसके फ्रेग्रेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके टॉप नोट में आपको मिलता है बर्गमॉट और लैवेंडर, अच्छा क्लीन स्मेल है, और इतना रिफ्रेशिंग नहीं है, मगर व्हेन वी कंपेयर टू हाइड्रा एनर्जी उसके जितना रिफ्रेशिंग नहीं है, मगर हाँ ये भी रिफ्रेशिंग है बिकॉज ये भी मरीन टाइप ऑफ स्मेल है, जैसे कि इसका नाम कहता है बाय द सी, वैसे ही नोट्स मिलते हैं आपको इसमें। मिडिल नोट में ओक मॉस और जुरेनियम का इस्तेमाल किया हुआ है, और बेस नोट में आपको मिलता है मस्क। तो ये परफ्यूम अच्छा प्रोजेक्ट करता है, मगर व्हेन वी कंपेयर टू हाइड्रा एनर्जी, देखिए दोनों के दोनों अच्छे परफ्यूम्स हैं, अच्छे समर बेस परफ्यूम्स हैं, मगर अगर टक्कर किया जाए दोनों दोनों के बीच में, आई थिंक हाइड्रा एनर्जी ज़्यादा लाउड है, हाइड्रा एनर्जी ज़्यादा फ्रेश है, मगर रोडस्टर ये ज़्यादा कॉरपोरेट स्टाइल काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है, मतलब ये मरीन फ्रेग्रेंस है बट मोर काइंड ऑफ मॉडर्न ट्विस्ट ऑन हाइड्रा एनर्जी, ऐसा टाइप ऑफ स्मेल है ये। इसका प्रोजेक्शन इतना ज़्यादा नहीं लगा मुझे क्योंकि मैंने ट्राई किया है ये दो तीन बार, ये कुछ स्टैंड आउट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस नहीं है, बहुत ही बेसिक है, सेफ फ्रेग्रेंस है। अगर आप बहुत ही क्लोज एनवायरनमेंट में वर्क करते हो तो आई थिंक ये सेफ फ्रेग्रेंस रहेगा आपके लिए। प्लीजिंग खुशबू है, इसका ओक मॉस का नोट बहुत ही बढ़िया है इसके इस परफ्यूम में, और बढ़िया स्मेल करता है। तो आई थिंक जिस दाम पे ये प्रोवाइड कर रहे हैं 399 रुपीस जस्टिफाइड है, अच्छा परफ्यूम है ये, बट एक दिक्कत है इसके साथ कि ये ज़्यादा लास्ट नहीं करता है। मैंने ट्राई किया था इसे दो या तीन दिन ट्राई किया था मैंने इसे, टू डिफरेंट ओकेजन्स पे कैजुअल वेयर किया था मैंने, और दो दिन मैंने ऑफिस पहन के गया था, दोनों दिन मुझे 4 hours मैक्सिमम 4 hours ऑफ लॉन्जिविटी मिला था इससे। तो आई थिंक लॉन्जिविटी में बहुत ख़राब है, मगर क्वालिटी बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। तो देखिए दोनों ही बहुत ही बढ़िया फ्रेग्रेंसेस है, रोडस्टर ऑन वन हैंड मॉडर्न टेक है ऑन फ्रेशर परफ्यूम ऑन मरीन टाइप ऑफ फ्रेग्रेंस, और हाइड्रा एनर्जी ये जो है ये बहुत ब्राइट और डायनमिक ब्राइटर फ्रेग्रेंस है बता सकते हैं ये। तो देखिए आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कौन सा पसंद आता है, आप खरीदिए। तो दिस वॉज माई रिव्यू आज के लिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर गाइस।